1632 में आज के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ था। 1799 में आज के दिन नेपालियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य में शामिल किया। 1756 में आज के दिन नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर 50,000 सैनिकों के साथ हमला किया। 1775 में आज के दिन बंकर हिल के युद्ध में ब्रिटेन की सेना ने अमेरिका की सेना को पराजित किया। 1885 में आज के दिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पहुंचा। 1887 में आज के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ कालचू का जन्म हुआ था। 1938 में आज के दिन जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1944 में आज के दिन आइसलैंड को डेनमार्क से स्वतंत्रता मिली। 1973 में आज के दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ, जिन्होंने वर्ष 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का ओलंपिक में पदक का रास्ता खोला। वर्ष 1996 में लिएंडर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्ष 2001 में महेश भूपति के साथ पद्मश्री से नवाजा गया, वर्ष 2014 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1980 में आज के दिन अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स का जन्म हुआ था। 1981 में आज के दिन बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता राव का जन्म हुआ। साल 2002 में आज के दिन पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पुनः खोला गया। 2008 में आज के दिन देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था।